झांसी में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कन्हैया लाल ने मंगलवार को 16 साल पहले ललितपुर हाईवे पर सड़क जाम करने वाले सदर विधायक रवि शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन्नूलाल गौतम, पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य समेत 40 लोगों को दोषी करार देते हुए 1500 रुपए की सजा सुनाई है। रुपए नहीं देने पर सभी को एक एक माह की जेल काटनी होगी। 8/6/2006 समाजवादी पार्टी की सरकार में लोधी समाज के एक बच्चे को समाजवादी पार्टी के गुंडे बिजौली गांव से उठा करके ले गए थे, जिसको लेकर के बिजौली में आक्रोश था। बिजौली के लोगों ने रोड को एक तरफ से जाम कर लिया था, क्योंकि डबल लेन है, एक तरफ से रोड खुली हुई थी। उसके बाद में इस प्रकरण की जानकारी जब मुझे सूचना दी गई तो मैं भी वहाँ मौके पर गया, तो एक तरफ से मैंने ट्रैफिक को चालू रखने दिया, दूसरी तरफ उस परिवार की महिलाएं और पूरा गांव एक जगह इकट्ठे होकर के बैठे थे। तब वहाँ मैं भी बैठा हूँ, मैंने न्याय की मांग की। उसको लेकर के तत्कालीन पुलिस ने, प्रशासन ने एक जाम का मुकदमा, रोड जाम का हम लोगों पर लिखवा दिया था। उसमें लगभग 90 लोग मुलजिम बनाए गए थे। उस प्रकरण की आज तारीख थी जजमेंट की। उसमें दरअसल 9 जून 2006 को प्रेमनगर बिजौली चौकी के अंतर्गत राजपूत ढाबा संचालक रिंकू राजपूत का अपहरण कर लिया गया था। बदमाश 5 लाख रुपए की फिरौती की मांग कर रहे थे। रिंकू की सकुशल बरामदगी की मांग को लेकर भाजपा विधायक रवि शर्मा समेत अन्य लोगों ने झांसी ललितपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। प्रेमनगर पुलिस ने इस मामले में 75 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।